चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे ये मार्केट में क्या हो रहा है। मुझे बहुत सारे लोग लिख के भेज रहे हैं कि सर ये मार्केट में जो हो रहा है क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है। जैसा आपने देखा है ये निफ्टी सेंसेक्स जो हैं वो नए नए हाई रोज बना रहे हैं और ये छोटे जो स्टॉक हैं स्मॉल कैप मिड कैप वाले ये नए नए लो बना रहे हैं रोज और मार्केट के किसी बाउंस में ये ऊपर भी नहीं आते हैं। तो मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि सर आपको इतने साल हो गए ऐसा पहले भी कभी हुआ है, और अगर हुआ है तो किस कंडीशन में हुआ है और उसके बाद क्या हुआ था। तो आज के वीडियो में बात करेंगे ये जो मार्केट में हो रहा है ये क्यों हो रहा है और क्या ऐसा पहले भी कभी हो चुका है, और अगर हुआ है तो किस सिनेरियो में हुआ है और उसके बाद किस चीज के होने की संभावना ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं ये मार्केट में क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट आ रहा है। जैसा आप जानते हैं आप देखेंगे कि ये अपने ऑलमोस्ट हाई के आसपास काम कर रही है और इसके अंदर किसी भी तरह से ऐसे नहीं दिख रहा कि अंदर मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। अब मैं आपको एक दूसरा चार्ट दिखाता हूं जो आपने ज़रूर देखा होगा, वो है मिड कैप इंडेक्स का चार्ट। ये देखिए ये रोज नए नए लो बना रहा है और इसमें कोई बाउंस भी ऐसा नहीं आता जो कि पिछले वाले हाई को काट पाए, ये वीकनेस का साइन दिखा रहा है। तो हमसे लोग पूछ रहे हैं कि सर ये दोनों चीज़ें अलग अलग कैसे चल रही हैं। और एक बात और दोस्तों, हमारे इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक हैं अगर आप उनको भी जाके देखेंगे तो निफ्टी के अंदर केवल 8 और 10 स्टॉक जो हैं वो निफ्टी को वहां पर लेकर खड़े हैं, बाकी सारे स्टॉक जो हैं 52 वीक लो पे हैं। यानी कि निफ्टी 50 के अंदर भी केवल 10 स्टॉक जो हैं वो 52 वीक हाई पे हैं और बाकी 35-40 स्टॉक जो हैं वो 52 वीक लो पे हैं। ये कैसे संभव है और ये अगर हो रहा है इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और इस तरह से कितने दिन चल पाएगा इसको हमें ज़रूर सोचना होगा। तो मुझसे लोगों ने पूछा कि सर ऐसा पहले भी कभी हो चुका है। हाँ जी दोस्तों, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और इस तरह की चीज़ें जो इस तरह के डायवर्जन हैं वो ज़्यादातर दो सिचुएशनों में होते हैं। आज हम उन दोनों की बात करेंगे। पहली सिचुएशन होती है जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रही हो, यानी कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा नीचे जाना हो उससे पहले ये जो छोटे वाले स्टॉक हैं उनमें से वो बड़ा पैसा वो स्मार्ट मनी बाहर निकलना शुरू कर देता है, क्योंकि उस पैसे को ये मालूम है कि जब मार्केट में असली फॉल आएगा पूरी मार्केट में तब इन तरह के स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं होती और वहां से एग्जिट ले पाना आसान नहीं होता। तो वो पैसा जिसको ये मालूम है कि बाजार ने काफी ज्यादा समय के लिए काफी ज्यादा नीचे जाना है वो पैसा इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन करनी शुरू कर देता है। तो उस केस में हम देखते हैं कि मार्केट के कुछ स्टॉक जो हैं वो मार्केट को संभाल के रखते हैं ताकि आम लोगों को आपको मुझे ये लगे कि मार्केट में ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही है, लेकिन अंदर अंदर स्टॉक के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है यानी कि माल को बांटा जाता है। एक बात आप सब लोग ध्यान रखिए दोस्तों, ये बिजनेस हो रहा है, यहाँ पर जो भी माल लेता है चाहे मैं लूँ चाहे आप लें चाहे वो स्मार्ट आदमी ले, उसको कभी ना कभी बेचना है। तो हर आदमी ये चाहता है कि उसका माल पूरे पैसे में बिके, इसलिए वो इतना बड़ा पैसा है
वो मार्केट को संभाल के बाकी अंदर अंदर स्टॉक को बांटता है। ये काम मैं और आप नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उतना बड़ा पैसा नहीं है, लेकिन वो स्मार्ट मनी उसके पास उतना बड़ा पैसा है कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। इंडेक्स मैनेजमेंट कहते हैं इसको, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि इंडेक्स को खड़ा करके अंदर के जो स्टॉक हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। तो पहला केस तो रहा ये कि इस तरह का सिनेरियो पहले भी हुआ है 2007 लास्ट में और 2008 के शुरू में, जब हमने देखा कि मार्केट रोज ऊपर जा रही थी और जो छोटे वाले जो स्टॉक हैं वो सारे के सारे अपने लो बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने मार्केट की असली गिरावट के 3 महीने पहले से। तो हम जो चार्ट एनालिसिस पे इतनी जोर देते हैं, या मैं हमेशा कहता हूं भाव को फॉलो कीजिए, तो भाव आपको पहले बता देता है कि बाहर कुछ ना कुछ और हो रहा है। 2008 में भी हमें 3 महीने पहले पता चल गया था कि कोई बड़े हाथ इस मार्केट में माल छोड़ रहे हैं और सिर्फ इंडेक्स को खड़ा किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े खतरे का संकेत है। और हमने अपने उस समय जितने स्टूडेंट थे, क्लाइंट थे, सबको वार्न भी किया था कि यहाँ से बाहर निकल जाइए, मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन चूंकि उस समय क्या था दोस्तों, 2003 से लेकर 2005 तक की एक बहुत बड़ी तेजी हुई थी, तो हमारा मानना ये था कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है, और वो हुआ भी। लेकिन एक दूसरा केस उसके बाद आया 2013 में, बिल्कुल सेम ऐसा सिनेरियो था, जब ये 2014 के इलेक्शन से ठीक पहले वाले साल के अंदर भी हमने देखा इस तरह का कुछ होते हुए। आपको मैं अगर उस समय का चार्ट दिखाऊं तो वो ये वाला एरिया है 2013 के अंदर, जब मोदी सरकार के आने से पहले वाले साल के अंदर मार्केट एक रेंज में खड़ी हो गई थी। उस समय भी ऐसा हुआ था कि हमने देखा कि इंडेक्सेस के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन छोटे स्टॉक बुरी तरीके से गिर रहे हैं, और उस समय हमारा मानना ये था कि इस मार्केट में ज़्यादा फॉल नहीं आने वाला क्योंकि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राइज नहीं है और मार्केट एक दायरे में काम कर रही थी उस समय। तो ये एक जो एरिया है ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन का एरिया है जहां के बाद एक चाल की शुरुआत हो सकती है, और इसके बारे में भी हमने अपने जितने भी लोग थे सबको पहले बता दिया था, और मैंने ओपन फोरम के ऊपर भी, जी बिजनेस के ऊपर भी बोला था कि हम बहुत बड़ी तेजी में आ सकते हैं आने वाले समय में, और इस करेक्शन के अंदर जो भी लोग बाय करेंगे उन लोगों को फायदा होगा। अब आते हैं आज की सिचुएशन पे कि आज की सिचुएशन में हमें क्या लग रहा है। आज की सिचुएशन ना तो वो 2008 वाली सिचुएशन है और ना ये 2013 वाली सिचुएशन है, अभी हम कहीं बीच में हैं। ना तो वो 2008 से पहले जो इतनी बड़ी चाल आई थी अभी वो आई है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा डॉलर टर्म्स में हम लगभग वहीं पे काम कर रहे हैं, और जो भी ये चाल देखने को मिली है ये सिर्फ रुपी की डेप्रिसिएशन की वजह से है। और अगर आप इंटरनल्स को चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि 2008 वाले जो रेट थे, बहुत सारे स्टॉक अभी उनके नीचे भी घूम रहे हैं, काफी स्टॉक ऊपर भी आए हैं, लेकिन मोटा मोटी हमने कोई बहुत बड़ी चाल नहीं ली है, सिर्फ कुछ स्टॉक्स को छोड़ के। और दूसरी सिचुएशन जो 2013 वाली थी, हम उस केस में भी नहीं है क्योंकि उसके पीछे बिल्कुल भी चाल नहीं थी और हमने थोड़ी वो चाल तो ली है, चाहे वो रुपए टर्म्स में ली है, तो इसलिए अब हम कहीं बीच में हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या होने की संभावना ज्यादा है, तो संभावना वही है जो मैं पहले इस पूरे साल से कहता आ रहा हूं कि ये मार्केट एक दायरे में रहने वाली है। और ये बात आप समझ लीजिए कि जो छोटे वाले ये स्टॉक हैं इनमें से आपको जल्दी निकलने का मौका नहीं मिलने वाला। और मुझसे कई लोगों ने पूछा कि सर उस सिचुएशनों में क्या हुआ था जब ऐसी चीजें हुई थी। तो 2008 के अंदर तो मार्केट भैया जी बहुत गिरी थी,
6300 का जो इंडेक्स था वो 2200 के आसपास आ गया था, लेकिन 2013 में मार्केट ज़्यादा नहीं गिरी थी, बल्कि हुआ क्या कि मार्केट ने एक झटका लिया नीचे का और इमिडिएटली वहाँ से रिकवर हो गई। तो मुझे इस बार इस चीज़ के होने की संभावना बहुत ज़्यादा लग रही है मार्केट का स्ट्रक्चर देख के, कि जब भी निफ्टी के अंदर या सेंसेक्स के अंदर कोई फॉल आएगा आने वाले टाइम में, वो फॉल बहुत ही छोटे टाइम के लिए आएगा और उसमें रिकवरी बहुत ही फास्ट होगी, क्योंकि जो छोटे वाले स्टॉक हैं वो ऑलरेडी पहले बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, तो अब उनमें रिकवरी जो है वो आनी चाहिए। तो ये निफ्टी का चार्ट देखा है जैसे हमने, तो ऐसा हो सकता है कि इस दायरे में थोड़े दिन काम करने के बाद एक बार यहाँ से हमको एक शार्प फॉल देखने को मिले, जो कि संजय जी भी पिछली बार कह रहे थे कि उसके होने की संभावना है, और उस दौरान ये जो छोटे वाले इंडेक्स हैं इनके अंदर भी हमारे को एक फॉल देखने को आ सकता है, और आप देखेंगे कि उसके बाद इनमें बाउंस भी आएगा लेकिन सिलेक्टेड स्टॉक के अंदर। और जैसे मैंने बताया, मुझसे लोगों ने पूछा कि ये सिनेरियो पहले जब हुए थे तो क्या क्या हुआ था, दो ही कंडीशन होती हैं भैया ऐसे, या तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है या कॉम्प्लेक्स टाइप की करेक्शन हो रही है, जो कि संजय जी ने भी उस दिन कंफर्म किया था। तो ये दूसरे वाला सिनेरियो ज्यादा लग रहा है जिसमें कॉम्प्लेक्स टाइप की करेक्शन हो रही है, जो कि टाइम वाइज ज्यादा होगी और भाव आपको देखेंगे इंडेक्सेस में कम टूटेंगे और ये छोटे स्टॉक्स के अंदर ज्यादा टूटेंगे। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखिए, भाव तो सबके टूटेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, छोटे वालों के पहले टूटेंगे और जो स्टॉक बड़े हैं उनके आखिरी वाली चाल में भाव जरूर टूटेंगे, लेकिन जैसे अक्सर होता है उनके अंदर रिकवरी बहुत तेजी से आती है, तभी मार्केट के अंदर रिकवरी आती है। तो कुल मिला के सिनेरियो ये रहा कि हम एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन की दौर में चल रहे हैं और मार्केट के अंदर जो ये हमको दिख रहा है इस एरिए में कहीं ना कहीं हमें अभी 6-7 महीने बिताने हैं, हम उस रेंज की हायर साइड पे आ चुके हैं और ऐसा कभी भी हो सकता है कि हम एक बार दोबारा इस एरिए को टेस्ट करने जाएं या एक बार उसको काटें, उस दौरान छोटे वाले जो स्टॉक हैं या कई स्टॉक इंडेक्स में भी हैं उनमें और गिरावट आ सकती है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, जो मैं इस साल के शुरू से कहता आ रहा हूं कि 2018 का साल आप अपनी आने वाली जिंदगी में याद करेंगे, क्योंकि इस समय जो भाव आपको दिखेंगे स्क्रीन पे, हो सकता है आने वाले 5-10 साल तक वो भाव ना दिखें। तो आप अपने पास में पैसा रखिए उस जगह पे डिप्लॉय करने के लिए, और जो भी स्टॉक आपको लगता है ऐसा कि ये सही रेट पे आ चुका है और मैं इसमें खरीदारी कर सकता हूं, तो जब आप 100 रुपये लगाना चाहें वहां 20 रुपये जरूर लगाइए, ये भूल के कि निफ्टी कहां पे खड़ी है, क्योंकि निफ्टी के साथ अगर वो स्टॉक ऊपर नहीं जा रहे तो चाहे निफ्टी नीचे जाए, उन्होंने जाना होगा तो वो चले ही जाएंगे। दोनों चीज़ें जब आप देख रहे हैं अलग अलग काम कर रही हैं, तो अगर यहाँ अलग काम कर सकती है तो कल को वहाँ भी अलग काम कर सकती है, कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रही है तो आपका लिया हुआ स्टॉक बिल्कुल ऊपर भी आ सकता है। तो ये साल एक्यूमुलेशन का साइन है, यानी कि आपको धीरे धीरे जब भी मौका लगे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में खरीदारी करिए, जरूर करिए। चार्ट स्ट्रक्चर मुझे बता रहा है, बाकी सब चीजें बता रही हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी अनहोनी नहीं हुई तो हम आने वाले 3-4 साल में यहां से कहीं ऊपर होंगे और आप ये 2018 का साल याद करेंगे। तो ये जो छोटे स्टॉक्स में गिरावट आ रही है इसको अपॉर्चुनिटी समझिए, और मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो इस साल के शुरुआत में ऊपर के भाव पे फंसे हुए हैं, आप चिंता मत कीजिए। मैंने पहले भी कहा था, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के स्टॉक हैं सूनर और लेटर उनके रेट आएंगे। एवरेज बिल्कुल मत कीजिए, एवरेज वहाँ कीजिए जहाँ आपको ये लगे कि अब भाव बहुत ज़्यादा टूट चुका है। बहुत सारे लोग 5% गिरने पे 4% गिरने पे एवरेज शुरू कर देते हैं बनाना,
वो गलत सिस्टम है। स्टॉक को एवरेज करने का भी एक तरीका होता है, इसके ऊपर एक मैंने वीडियो डाला था, आप उसे जाके देख सकते। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने बात की कि ये मार्केट में क्या हो रहा है, एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है, तो इसके पीछे क्या राज है, और अगर पहले कभी ऐसा हुआ है तो क्या क्या होने की संभावना ज़्यादा है। हमने बात की कि इस बार ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन की संभावना ज़्यादा है जो कि 6 से 8 महीने चल सकती है, और छोटे स्टॉक काफ़ी गिर चुके हैं तो अब ये हो सकता है कि उनके अंदर भाव में ज़्यादा टूटन ना आए, या जो बिल्कुल ख़राब क्वालिटी के स्टॉक हैं उनमें आए। आपको निगाह रखनी है कि मार्केट के इस सिनेरियो में कौन सा स्टॉक ऐसा है जो कम टूट रहा है, अब जो टूट के खड़ा हो गया है, जो एक रेंज बना ली है जिसने, और अब वो मार्केट की गिरावट के साथ नीचे नहीं जाता है, वो स्टॉक इट मींस एक्यूमुलेशन कर रहा है और कहीं ना कहीं बेस बना के आने वाले 6 से 8 महीने में बाहर निकल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, मार्केट में अभी एक शार्प फॉल आने की संभावना है, और जिस तरह से वो छोटे वाले स्टॉक का इंडेक्स का चार्ट बता रहा है, ऐसा कभी नहीं होता कि एक चीज़ इधर चलती रहे और एक चीज़ इधर चलती रहे, या तो इसको नीचे आना है या उसको ऊपर आना है, मार्केट में ऐसा ही होता है। ये जो डाइवर्जेंस हैं कि एक नीचे एक ऊपर, ऐसा नहीं चल सकता, कहीं ना कहीं इनको बीच में आके मिलना ही होगा। तो इंतज़ार कीजिए, देखते रहिए कि ये ऊपर आता है या वो नीचे आता है, दोनों में से एक काम आने वाले समय में ज़रूर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ में शेयर कीजिए। कोई भी सुझाव हो आपके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके सभी सुझाव को रीड करते हैं और ध्यान रखते हैं कि आगे के जो वीडियोस बनाएं उसमें उनको डालें। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।